सागर में की जा रही बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बसों की हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी उस तबके को हो रही है जिनके पास सफर करने के लिए कोई साधन नहीं है और वह बसों पर ही निर्भर है। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदे। अब उन्हें 2-3 गुना किराया देकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र से आकर शहर में मजदूरी करने वाला वर्ग बेहद परेशान है, क्योंकि जो अभी 20-30 रूपए देकर अप डाउन करते थे अब उन्हें 60-70 रूपए देने पड़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा लंबा सफर करने वाले यात्री भी परेशान हैं। इनमें इलाज के लिए नागपुर जाने वाला वर्ग भी शामिल है, क्योंकि डेली अप डाउन वाली भोपाल बिलासपुर राज्य रानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें भी निरस्त चल रही हैं। ऐसे में ना तो लोग बस से सफर कर पा रहे हैं और ना ही ट्रेन की सुविधा मिल रही है। अब या तो निजी वाहन बुक करके जाना पड़ रहा है या फिर अन्य वाहनों को मनमाना किराया देना पड़ रहा है। 13 जून से बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया है। उन्होंने पुरानी बस स्टैंड से ही बस संचालन की मांग की है और इसी को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा सिटी बसों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है। और भाई ये रहने वाले जो गाड़ी चला सकती बस चला रहे सकती बस। कितने दिन से हैं आप यहाँ? 2 दिन हो गए खड़े। क्यों खड़े हैं? अब हड़ताल है साहब, कैसी आप जी, हमें जानकारी नहीं है कुछ। कितने दिन रहेगी हड़ताल? ये भी जानकारी नहीं हमको कितने दिन रहेगी। सुनने में आया है यहाँ से सरकारी बसें चलने लगी हैं सरकार प्रशासन द्वारा। जी मालूम था, हमें कोई पता नहीं। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदें।